हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 64। इसमें एक जो बातें कही गई है वह है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका तात्पर्य हुआ कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वे अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो उपराष्ट्रपति हो गए वह स्वतः पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, और जब वे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं तो फिर वे किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करते हैं। बस इतनी सी ही बात अनुच्छेद 64 में कही गई है। हालांकि इसके बाद जो एक बात और महत्वपूर्ण है इसमें कही गई है कि अगर कभी राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन करते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 65 में यह बातें कही गई है कि यदि राष्ट्रपति के रूप में वे कार्य करते हैं, उनके कृत्य का निर्वहन करते हैं, तो उस अवधि के दौरान वे राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। अर्थात जब वे राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेंगे तो फिर वे उपराष्ट्रपति नहीं रह जाते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं रह जाते हैं, और उस समय वे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते जो कि अनुच्छेद 97 में वर्णित है उसी अनुरूप उन्हें भी वे वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। वैसे अगर राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति के वेतन को देखा जाए तो 4 लाख रुपया मासिक और अन्य भत्ते के वे हकदार होते हैं। यहाँ पर जो यही बात कही गई है प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 65 ही शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और अलाउंस पेएबल टू चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 97। जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 64 में यही है सिर्फ कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से कोई पद का निर्वाचन नहीं किया जाता है बल्कि उपराष्ट्रपति के लिए होता है, और उपराष्ट्रपति का कार्य देखा जाए तो वहाँ की उपराष्ट्रपति का कोई अलग से कोई ऑफिस वगैरह नहीं होता ऐसा कुछ, वे राज्यसभा के कार्य सिर्फ राज्यसभा के सभापति ही के रूप में ही कार्य करते हैं। और हम इसे एक बात और जान लें कि भारतीय संसद जहाँ कानून का निर्माण होता है यह लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के रूप में मिलकर बनती है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा जो कि उच्च सदन भी कहलाते हैं, यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और इसके सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होते हैं।